अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू जमशेद आसमी इंफॉर्मेटिव चैनल जुनेद जमशेद। एक बार फिर आप तमाम व्यूवर्स की खिदमत में हाजिर है। तो व्यूवर्स, एक बार फिर हम सदर संडे डॉग मार्केट में मौजूद हैं। यहाँ की कवरेज करेंगे, देखेंगे मार्केट में कौन कौन सी ब्रीड डॉग की मौजूद है, उनके क्या प्राइस हैं। तो आइए मार्केट का विजिट कर लेना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? दाऊद। ये कौन सी ब्रीड है? डोबरमैन है। अच्छा, तो क्या डिमांड कर रहे हैं इसकी? इसकी 10,000। 10,000 डिमांड कर रहे हैं। डोबरमैन बताया इसकी ब्रीड को, तो मुझे ये हेल्दी नज़र नहीं आ रहा, क्यों? दरअसल केयर नहीं कर सक रहे ना, 4-5 कुत्ते और शादी भी आ गए सागी, इसी वजह से सब निकाल रहे हैं इसको। अच्छा, तो ये बताएं, ये पेडिग्री है? नॉन पेडिग्री। अच्छा, तो क्या खिला रहे हैं, क्या डाइट है इसकी? गर्दने, चावल, पिंजर, रोटी वगैरह सब कुछ, डॉग फूड वगैरह भी कभी कभी। अच्छा, ये भी बता दें साथ साथ कि इसकी उम्र कितनी है? अभी 3 महीने। 3 माह इसकी उम्र अभी बता रहे हैं। और व्यूवर्स, आप लोग पोजीशन देख सकते हैं, मुझे तो काफ़ी कमज़ोर लग रहा है अभी डॉग, लेकिन कह रहे हैं मसरूफियात की वजह से इसकी केयर नहीं कर पा रहे हैं। ये डोबरमैन कहाँ से है? अपने माँ बाप से। पंपू और डोबरमैन का क्रॉस। ये बेसिकली क्रॉस ब्रीड है, तो इसको एक ब्रीड का नाम तो नहीं दे सकते? बी ब्रीड। अच्छा, तो फाइनल डिमांड क्या होगी इसकी? 7-8 में छोड़ देंगे, 7-8 तक छोड़ देंगे फाइनल। 7,000-8,000 तक दे देंगे फाइनल। अच्छा, अपना नाम बता दें, कॉन्टेक्ट नंबर? जुनेद, 03162176001। चलिए, बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हशाम। हशाम, ये बताएं कौन सी ब्रीड है ये? ये अगवान कुची है। अगवान कुची है ये। अच्छा, तो कितने मंथ्स के बच्चे हैं ये? अभी 2.5 मंथ के बच्चे हैं और वैक्सीनेटेड है। तो वैक्सीनेशन हो गई इनकी? जी, इनकी वैक्सीनेशन हो गई। ये इनके दोनों के कार्ड है, ये अलग अलग इन दोनों के कार्ड है। अच्छा, तो व्यूवर्स, यहाँ पे वैक्सीनेशन हुई है इन डॉग की, यहाँ पे वैक्सीनेशन कार्ड है। अच्छा, तो ये बताएं क्या डिमांड कर रहे हैं एक पपी की? 12,000। 12,000 एक पपी की डिमांड कर रहे हैं। अच्छा, तो फाइनली कितने तक में दे देंगे? 10 तक कर लेंगे। 10,000 फाइनल डिमांड है इसकी। और बेचेंगे दोनों जोड़ी, मेल फीमेल है। अच्छा, तो मेल कौन सा है? मेल ये वाला है, फीमेल ये वाली है। अच्छा, इसको रखिएगा नीचे। तो व्यूवर्स, बाकायदा इन्होंने इसको प्रॉपर पैकिंग के साथ लाए, आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, ये बताएं कि ये घर की ब्रीड है या ये लोकल ब्रीड है? पेडिग्री तो बहुत महंगे आते हैं। नहीं, लोकल ब्रीड तो है, ये आपकी घर की ब्रीड है? जी। ओके, तो ये घर की ब्रीड है इनके, और अभी जो इन्होंने बताई है इसकी एजेस, 2.5 मंथ तकरीबन एज बताई है जी। अच्छा, तो अभी क्या इसको दे रहे हैं, क्या डाइट है इसकी? इसको हम गोश्त दे रहे हैं, दूध दे रहे हैं, जब बीमार होते हैं दलिया सीरिलैक दे देते हैं। ठीक है, अपना नाम बता दो, कॉन्टैक्ट नंबर? हशाम मेरा नाम है और मेरा फ़ोन नंबर 03215112240। चलो, बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? एल्विस। एल्विस, ये बताएं कि कौन सी ब्रीड है ये? अमेरिकन टेरियर है। अमेरिकन टेरियर है, ये कौन सी ब्रीड है टेरियर की? ये टेरियर पुडल में आती है, ब्लैक पुडल में। बेसिकली क्रॉस ब्रीड हुई ना ये भी? नहीं, वह टेरियर ये अमेरिकन है ना, इस वजह से, क्योंकि इतनी हाइट तो नहीं होती टेरियर की। टेरियर ये अमेरिकन है इस वजह से, इसके माँ बाप की भी यही हाइट है। अच्छा, तो क्या डिमांड है इसकी? इसकी मैं 20,000 मांग रहा हूँ। 20,000 रुपये डिमांड बता रहे हैं। अच्छा, वैक्सीनेशन वगैरह हुई? वैक्सीनेशन इसकी हुई है, पर वो नहीं है, इसका प्रूफ नहीं है मेरे पास। ओके, वैक्सीनेशन कार्ड नहीं है, लेकिन वैक्सीनेशन हो गई है। तो ये बताएं कि ये पेटेगरी है, नॉन पेटेगरी? ये नॉन पेटेगरी है। नॉन पेटेगरी है, तो क्या डिमांड करें इसकी फाइनल? इसकी अगर कोई लग गया रेट 18 या 15 में छोड़ दूंगा, 15,000 फाइनल डिमांड बता रहे हैं इसकी। और एज क्या है इसकी अभी? इसकी एज है 14 मंथ। 14 मंथ। तो ये बताएं मेल है फीमेल है? फीमेल है। फीमेल है, 14 मंथ्स एज बता रहे हैं, और 15,000 रुपये फाइनल डिमांड बताई है। अपना नाम बता दें, कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दें। एल्विस गिल, 03452830990। बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। तो व्यूवर, यहाँ पे हमारे साथ एक व्यूवर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? शुक्र, आप? नाम है आपका? शहरोज नाम है। शहरोज, ये बताएं कौन सी ब्रीड है ये? ये सर डेलमेशियन ब्रीड है। ठीक है, तो क्या डिमांड है इसकी? सर इसकी 80,000 डिमांड है, और इसकी एज जो है 8 मंथ्स है, और फुल वैक्सीनेटेड है, और पॉटी ट्रेन है, और इसके अलावा इसका नेम जो है रेक्स है, और इसकी जो है माशाल्लाह जो है ये तकरीबन जो है सारी बातें वगैरह सुन लेता है, बॉल से भी खेल लेता है, मतलब फुल एक्टिव है घर में बच्चों के लिए, और वैसे अच्छा, आप कहीं भी ले जाएं इसको। ये बताएं एज क्या है इसकी? इसकी 8 मंथ्स की।
8 मंथ्स इसकी एज बता रहे हैं, तो वैक्सीन वगैरह भी जी वैक्सीनेशन वगैरह कंप्लीट है इसकी। ये पेडिग्री है, नॉन पेडिग्री? ये नॉन पेडिग्री है, मगर ये है कि इसके जो पेरेंट्स थे वो पेडिग्री थे। ठीक है, इसके पेरेंट्स पेडिग्री थे, दैट मीन्स कि ये भी पेडिग्री हो सकता है इनके, अगर आप अप्लाई करें इसके डॉक्यूमेंट्स के लिए। हाँ, हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, तो अभी इसकी डाइट क्या है? मैं सर इसको जो देता हूँ चिकन और बॉयल्ड राइस मैच करके देता हूँ, मिक्स करके, और एक टाइम पे जो है इनको बिस्कुट दे देता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह एक्टिव है व्यूवर्स, और काफ़ी अच्छी और खूबसूरत ब्रीड है। अच्छा, इसके अलावा व्यूवर्स के लिए क्या डिस्काउंट हो जाएगा इसमें? सर आपके चैनल के थ्रू अगर कोई पूछेगा या कोई बोलेगा तो ये 70,000 का मैं कर दूँगा। 70,000 जी, तो फाइनल डिमांड इसकी 70,000 बता रहे हैं। इसको मैं चाहूँगा आप उठाएँ थोड़ा सा, ताकि फ्रंट नज़र आ जाए कैमरे में ना। ठीक है, तो अपना नाम बता दें, कॉन्टैक्ट नंबर शेयर। फेरोस मेरा नेम है और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0334341-7040। चलिए, बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला, थैंक यू सो मच। तो व्यूवर्स, साकिब भाई हमारे साथ मौजूद हैं और मार्केट की नौयत देखते हुए अजीब अजीब हरकतें भी करते हैं कभी कभी, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। अब ये यहाँ पे शाइन और इस टाइप के जो हंटिंग बर्ड्स हैं वो सेल कर रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा इनके पास ये दो डॉग्स हैं, तो इसके भी इन्फॉर्मेशन लेंगे। जी साकिब भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हजरत? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक, आप सुनाइए। ठीक है, तो ये बताएं, ये आप कैसी कैसी हरकतें कर रहे हैं मार्केट में, आप डॉग छोड़ के ये हंटिंग बर्ड? नहीं है भाई, ये बचपन का शौक है मेरा जी। और एक दोस्त ने मेरे को काफ़ी टाइम से बोला हुआ था कि मुझे ये चाहिए, मुझे ला के दिया, बहुत शौक है उसको ना। पहले ला के दिया था, उसको लेके दिया था तो उससे उड़ गया था बेचारे से। अभी तो इत्तेफाक से बहुत अच्छा मिला ये, एक बड़ा और भी है। एक मिला मेरे को पहले, मैंने ले लिया उसके लिए, मैंने चलो यार कुछ तो मिला। फिर एक और आ गया बड़ा, वो देखें बड़ा तो बन गया, वो खतरनाक है। क्या बेसिकली क्या है, दिखाता हूँ। तो साकिब भाई, सबसे पहले डॉग से मुतालिक मालूमात ले लेते हैं, तो इस वाले डॉग के मुतालिक बताएं। जी, रशियन समवाइड है, बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा पला हुआ है, पोटी ट्रेन है माशाल्लाह। क्या डिमांड है इसकी? गार्ड डॉग भी है इसकी। 15,000 में दूंगा फाइनल इंशाल्लाह। 15,000 रुपये डिमांड बता रहे हैं इसकी। अच्छा, एज क्या है इसकी? बहुत अच्छा फ्रेंडली पला हुआ है, एक साल का है। एक साल का है ये जी। अच्छा, और ये जो हम देख रहे हैं पपी, ये पॉकेट डॉग है, बिल्कुल छोटे साइज़ का होगा और ट्रिपल कोड से भी बड़ा कोड है इसका, बड़ा फुल बड़ा कोड है। और ये डेढ़ से दो महीने का है, ये देखें इतने बड़े बड़े दांत हैं माशाल्लाह इसके। लेकिन ना खाता पीता सब कुछ ही, नखरे नहीं खाने पीने में, कीमा चावल वगैरह खा लेता है। कीमा चावल, बड़े का गोश्त नहीं खिलाना, भी बच्चा है ना, चिकन की गर्दने का कीमा करके उसको चावलों में पका के वो खिलाएं, शौक से खाएगा। वाइट मीट दे दें इसको, मिल्क तो देने की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब गोश्त जो सफ़ेद होता है जैसे चिकन होगा जी जी, वो दें, वाइट मीट दे सकते हैं। तो ये बताएं कि इसकी एज क्या है? इसके भी डेढ़ से दो महीने के दरमियान में है। वैक्सीन भी नहीं हुई? वैक्सीन तो फिलहाल अभी नहीं हुई, जो लेगा वो करवा लेगा इंशाल्लाह। ठीक है, ये है कौन सी ब्रीड? ये पॉकेट डॉग है रशियन। इसको मैं बोल सकता हूँ कि पोमेरियन है, लेकिन झूठ बोलना बेकार है। ये छोटे साइज़ का लेकिन है, रशियन समवाइड है। तो इसकी क्या डिमांड है? ये यही नस्ल है, यही ब्रीड है, लेकिन छोटा साइज़ में होगा, ये इतना बड़ा नहीं होगा, ये थोड़ा बड़ा साइज़ है ना, इसका साइज़ बहुत छोटा होगा। तो और क्या डिमांड है इसकी पपी की? जा, ये भी 15 में दे दूंगा इंशाल्लाह। वैसे तो 25 की चीज़ है और मैंने 25-35 में भी बेचे, डिफेंस में दुकान थी ना मेरी, लेकिन अभी 15 में दे दूंगा इंशाल्लाह। 15,000 रुपये इसकी भी डिमांड बता रहे हैं, और इसकी भी डिमांड 15,000। और भी मार्केट में रशियन बहुत घूम रहे हैं, लेकिन इस क्वालिटी के नहीं है, ये क्वालिटी अच्छी क्वालिटी का है माशाल्लाह। तो ये डिफरेंट क्वालिटी का, यानी 8-10,000 में सौदा? नहीं, 15 से कम में नहीं दूंगा ये। मैं ये एक साहब के लिए लिया मैंने, उन गुलिस्तान ने जोर से कल फोन आया था, बोला यार मेरे को कौन से डॉग से शौक शुरू करूँ, यानी कि ऑर्डर की है और मार्केट में ले आए यहाँ पे की, तो चलो बिस्मिल्लाह, नहीं तो वहाँ तो चला ही जाएगा। हाँ, वहाँ देना है नहीं, उन्होंने कहा था मैं मार्केट में आऊँगा, अगर आ गए तो उनको दे दूँगा, अगर नहीं आए तो उनके शाम में घर पे ले आऊँगा इंशाल्लाह, गुलिस्तान जोर में। ओके, तो साकिब भाई यहाँ पे ये देख लेते हैं जो आप न्यू हंटिंग बर्ड्स वगैरह लाए हैं यहाँ पे। जी साकिब भाई, ये जो हम देख रहे हैं हंटिंग बर्ड, इसके बारे में दो साकिब भाई हो गए, एक ये भी साकिब भाई है। अच्छा, ये भी डॉग सेल करेगा, तो बताएं इसके बारे में। दिल से यानी कि दिल काटेगा नहीं, पला हुआ बिल्कुल फ्रेंडली है ये। अच्छा, बेचने का नहीं है, ये किसी दोस्त के लिए लिया, उसको तोहफे में दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, तो मुर्गियाँ लेता हूँ उससे, मुर्गी का गोश्त लेता हूँ रोजाना बेचारे से। तो हम लोग क्या दुश्मन है साकिब भाई? नहीं, यानी कि उससे बहुत टाइम से बोला होता है, उसका भी तो शौक पूरा करना है ना यार। तो वैसे कितने क्या डिमांड चल रही है इसकी? ये भी एक बंदे के पास था, वो 18,000 रुपये मांग रहा था फाइनल मेरे से। मैंने बोला इतनी तो रेंज मेरी नहीं है, ये कि कोई मिल जाएगा मार्केट में, तो इत्तेफाक से जो आज मिल गया। अच्छा, तो कितने तक का परचेज किया आपने ये?
ये तो मैंने बस मुनासिब पैसों में ले लिया। एक बच्चा आया था बेच रहा था, मैंने ले लिया। एक छोटा भी है। अच्छा, ये वो है लगड़ का बच्चा है। ये क्या कहलाता है? लगड़ होता है ये उकाब है, उकाब ये उकाब है बेसिकली। अच्छा, और वो जो है वो लगड़ का बच्चा है अभी। लगड़ वो होता है जो जिसको छोड़ते हैं ना उसके ऊपर बाज हमला करता है तो शिकार करते हैं, बाज को पकड़ते हैं उसको, वो है वो, उसका बच्चा है। तो ये अगर किसी को चाहिए होगा 15,000 में मिल जाएगा इंशाल्लाह। 15,000 उसकी डिमांड है। अगर किसी को चाहिए हो तो साकिब भाई सेल करने के लिए तैयार हैं। हाँ, ये मैं सेल कर दूंगा कि भाई 1500 1500 में एक जीरो डाल दो। अच्छा, इतने का। अच्छा, तो हंटिंग बर्ड्स का कब से शौक हो गया आपको ये सेल? मैं बचपन से शौक है, जब मैं छोटा था, जब एक दफ़ा तो मेरे को पकड़ भी लिया था यहाँ वाइल्ड लाइफ वाले में। शिकरा खरीद के लेके जा रहा था मार्केट से, तो एक नए भाई होते हैं वाइल्ड लाइफ के अफसर हैं, उन्होंने मुझे पकड़ लिया था, बॉडी बिल्डर है। तो पहले तो मैं उनको देख के डर गया, फिर उन्होंने बोला ये कहाँ से लिया, फिर मैंने उनको दुकान वहाँ से दिखा, भाई इस दुकान से लिया है। तो उन्होंने फिर वापस करवाया और बोला बेटा आप बच्चे हो इसलिए आपको छोड़ ले, लेकिन आइंदा ऐसी हरकत नहीं करना, नहीं लेके जाना। मैंने ठीक है, उसके बाद फिर तो मैं दुकान वकान ले ली, फिर तो तो साकिब भाई उसके बाद भी ये हरकतें कर रहा है। बस वो तो बचपना ख़त्म हो गया ना, तो अब बचपना ख़त्म हो गया, अब जानबूझ के हरकतें हो रही है। हरकतें नहीं यार, शौक होता है इंसान को, ये भी तो अल्लाह पाक ने इंसानों के लिए बनाई है ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात। तो साकिब भाई के पास यही मौजूद था आज, व्यूवर्स उम्मीद है तो आपको अभी 2-3 दिन में अस्की के बच्चे आ रहे हैं, बहुत आउट क्लास वली कोर्ट में ब्लू आइज़ में बच्चे आ रहे हैं, 2-3 दिन में आ जाएंगे इंशाल्लाह। फीमेल्स भी आ रही हैं बड़ी, और मेरे पास अभी बुल मास्टर की फीमेल है माशाल्लाह, वो भी तैयार हो गई, यानी कि अभी वो इंशाल्लाह। आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दें कोई भी इंटरेस्टेड होगा आपको। 03122912531। चलें, बहुत शुक्रिया साकिब भाई, जज़ाकअल्लाह। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़। इससे भी अच्छा साकिब भाई, एक बात बताएं, आपकी वीडियो लंबी हो जाती है तो कुछ लोग शिकायत करते हैं, इसकी क्या वजह है? क्या वो आपके मोहब्बत करने वाले हैं? यार ये तो अल्लाह को पता है क्या मोहब्बत करते हैं कि क्या करते हैं। मैं यहाँ खड़ा हुआ, मुझे क्या पता कोई क्या कर रहा होगा क्या नहीं कर रहा होगा। वैसे बहुत से लोग हैं जो बेचारे इज्जत भी करते हैं, मोहब्बत करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन जहाँ चार मोहब्बत करने वाले होते हैं वहाँ दो वैसे भी होते, समझ जाओ आप। तो खैर, तो व्यूवर्स यहाँ पे हमारे साथ एक व्यूवर भी मौजूद हैं जिनका मसला चल रहा था, आज़म भाई हैं। तो डॉग की मोहब्बत ना आप लोग देख सकते हैं बेचारे ऐसे हो। अच्छा, ये बताया मसला लोग आप? हाँ, साकिब भाई ने अपना वादा पूरा कर दिया, साकिब भाई ने जो वादा किया था मुझसे वो पूरा कर दिया जी। साकिब भाई बस इनकी एक ख्वाहिश थी, वो हमने पूरी कर दी। मैंने वादा किया था भाई जब भी माधी हिट पे आए मीटिंग करवा दूंगा इंशाल्लाह, वो बच्चे अच्छे हो जाएंगे, आपको फ़ायदा हो जाएगा इंशाल्लाह। तो वो काम इनका करवा दिया, मीटिंग हो गई। जी जी बिल्कुल। मिठाई का बारी है, अभी खा लो। नहीं, आपकी मोहब्बत है हजरत। ये बताएं इंशाल्लाह कब तक ब्रीड आ जाएगी? ये तो साकिब भाई की, मैंने इनको तारीख मेंशन करी थी ना, 24 तारीख को, तो जनवरी की 24 तारीख को इंशाल्लाह हो जाएंगे बच्चे, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। फर्स्ट टाइम मेट कराइए जी जी। और वो मेल भी मैंने दे दिया इनकी माजी के लिए, वो मेल काफ़ी दिनों से मैंने रखा था, माजी मेट हुई और कल एक साहब को दे दिया मैंने वो मेल। अच्छा, इनको केयर में यही आपको एडवाइस करूँगा, इनको प्रॉपर केयर बता दें, जो जो मेडिसिन वगैरह पूछना होगा पूछ लेंगे। मैंने पहले तो बता दिया था सब कुछ, लेकिन जो कुछ रह गया होगा जो पूछना होगा पूछ लें, मैंने बता दें इनको, यही कहा था कुछ भी पूछना हो तो पूछ लेना, मसला नहीं है। ठीक है, आप मुतमईन है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप खुश हैं? अपना वादा तो नहीं है? नहीं नहीं, अपना वादा पूरा कर दिया इसने, बस यही कह सकता हूँ। चलें, तो अल्लाह ताला का शुक्र है साकिब भाई अपनी कमिटमेंट पे कायम रहे, इनके साथ ताउन किया और इनका मसला भी हल हो गया। ठीक है, शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। ऐसा काम करें कि बंदे अच्छे लफ्ज़ों में याद करें, बेशक अच्छी नीयत रखनी चाहिए, अच्छे काम। एक ने कुछ पता नहीं किस टाइम इंसान चले जाए दुनिया से, तो किसी का दिल तो दुखा के ना जाए ना कम से कम। और जितने भी व्यूअर्स हैं जो भी सुन रहे हैं मेरे को, कोई मेरे से कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ़ कर दो। जज़ाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया साकिब भाई, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? ज़ीशान। ज़ीशान, ये बताएं कौन सी ब्रीड है? ये जो लैब है, लैब्राडोर। लैब्राडोर, क्या डिमांड कर रहे हैं इसकी? इसकी 35 35 35 जी। अच्छा, और ये बताएं कि ये पेडिग्री है? नहीं, नॉन पेडिग्री है। नॉन पेडिग्री है। और फाइनल कितने तक में देंगे? फाइनल में 30 तक छोड़ रहा हूँ। 30,000 फाइनल डिमांड बता रहे हैं। एज क्या है इसके भी? एज 11 महीने। 11 महीने इसकी एज है। और अभी इसकी डाइट क्या है? इसकी डाइट है चिकन और रोटी, और बॉइल चिकन और रोटी। तो अपना आप कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर दें। 03497793910। नाम भी मेंशन कर दें। ज़ीशान। चलें, बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह।
तो व्यूवर्स, यहाँ पे डीलिंग हो रही है और 22,000 में डीलिंग हो गई है। तो जनाब 22,000 में डीलिंग हो गई है जी, तो आप कैसे पॉसिबल हो गया? बस अब मैं इनके ड्रोगन से मालूम कि उन्होंने बोला सही कर दो। ठीक है, तो आप मुतमईन हैं? जी जी बिल्कुल। पहले आप भी इंक्रीज नहीं हो रहे थे? बस मैंने अच्छी चीज़ लगी तो मैंने चलो ले लेते हैं। तो व्यूवर्स यहाँ पे मुतमईन हो गए सब डॉग से। ये डॉग है जिसकी डीलिंग हुई है। इनको एडवांस दे रहा हूँ मैं जी, बाकी फिर मैं पेमेंट अभी लेके आया। तो ये एडवांस पेमेंट इनको दे रहे हैं, बाकी पेमेंट ये अभी इनको कर देंगे। ठीक है हजरत, सही। चले अब मैं आपको एक ही एडवाइस करूँगा कि जनाब ये जानदार है, बहुत ख्याल रखना आपने इसका और प्रॉपर केयर करनी है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बहुत मुबारक हो, जज़ाकअल्लाह। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं जी? सर ठीक ठाक। तो ये बताएं कौन सी ब्रीड है ये? जर्मन शेपर्ड स्टॉक कोड में है। प्योर है? प्योर है। पेडिग्री है? नॉन पेडिग्री है। क्या डिमांड कर रहे हैं इसकी? 30,000। 30,000 इसकी डिमांड कर रहे हैं। और क्या एज है इसके भी जी? एज क्या है इसकी? एज इसकी 18 मंथ है। 18 मंथ एज है। और बेचारा सेहतमंद क्यों नहीं नज़र आ रहा? सेहतमंद है, शेपर्ड होते ही ऐसे हैं, शेपर्ड थोड़ी सेहतमंद होते हैं। तो फाइनल डिमांड क्या होगी इसकी? फाइनल यही है, डाइट क्या है? मुनासिब रेट है, एक बार बच्चे कर चुकी है 6 मंथ पहले। अभी जो है अभी शायद हीट पे आने वाली है, 1 मंथ या 1.5 आवर। अच्छा, तो ये बताएं कि अगर कोई ऑफर लगाता है 20 के 25? नहीं, 20 की नहीं देंगे। तो 25 की रेंज में कैसे जर्मन शेफर्ड तो कोड है ना, सिर्फ इस वजह से। अभी लॉन्ग कोड होता तो हम 80,000 रुपये मांगते फिर। तो व्यूअर्स ये है डॉग जिसकी डिमांड तकरीबन 30,000 बता रहे हैं। 30,000। 25 में दे देंगे? नहीं देंगे। 25 में भी नहीं देंगे? बहुत ज़िद्दी आदमी है। हमें पता है ना चीज़ क्या है, मतलब अभी हमारे पास जगह कम हो रही है, इस वजह से हम सेल कर रहे हैं। अच्छा, हमने रोड पाइल बताया। डाइट क्या है इसकी? डाइट इसके दे रहे हैं हम दलिया, नहीं दलिया दे रहे हैं और कीमा दे रहे हैं। कीमा दे रहे हैं और दलिया दे रहे हैं जी। अच्छा, तो इसके अलावा ये पपी जो नज़र आ रहा है इसके बारे में बताएं। ये रशियन पपी है, ब्लू आइज में, तो ये 8,000 रुपये में सेल कर रहे हैं। 8,000 इसकी डिमांड बता रहे हैं। एज क्या है इसकी? इसकी 40 दिन होगी। 40 डेज इसकी एज है। 1 महीना 10 दिन? हाँ, 1 महीना 10। तो अभी वो वैक्सीनेशन तो नहीं हुई? नहीं, अभी वैक्सीन नहीं। पेडिग्री? नॉन पेड। अच्छा, तो फाइनल डिमांड क्या होगी इसकी? इसके भी 8,000 रुपये मुनासिब बोल रहे हैं, कम नहीं कर। ब्रीड कौन सी है? ये रशियन ब्रीड है। रशियन ब्रीड है। चलें, बहुत शुक्रिया, अपना नाम बता दें, कॉन्टैक्ट। पैट्रिक नाम है। तो 0343-3456-458। और अगर कोई परचेज का सेल करना चाहे अपना डॉग तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसलिए आप परचेज भी करेंगे। चलें, बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? इमरान भाई। इमरान, ये बताएं कौन से पपीज हैं आपके पास ब्रीड? ये प्योर लैब्राडोर है और ये क्रॉस में है। अच्छा, तो ये जो प्योर आप बता रहे हैं पेडिग्री है? नॉन पेडिग्री। पेरेंट्स के बच्चे? हाँ, पेडिग्री पेरेंट्स का ही है। जी जी। अच्छा, तो क्या डिमांड है इसकी? इसकी मैम 25 बोल रहा हूँ, फीमेल है ये। फीमेल है, 25,000 डिमांड है। और एज क्या है इसकी अभी? ये तो 15-16 डेज की है, इतनी बड़ी नहीं है। अच्छा, 15-16 दिन की है। इसके अलावा जो ब्लैक देख रहे हैं ये क्रॉस में, ये लेब्रा की, और ये बस एक लड़के ने वो ये गुलटेड टाइप में इसकी क्रॉस की करवाई थी ब्रीड, तो इसकी ये ब्रीड है। लेकिन माशाल्लाह ये भी बहुत आउट क्लास चीज़ है। क्या डिमांड है इसकी? इसकी हम 15,000। 15,000 रुपये डिमांड बता रहे हैं। और फाइनल कितने तक में दे देंगे? अगर आपके व्यूवर्स देखेंगे उनके लिए जितना मुनासिब हो सका हम करेंगे। फिर भी एक रफ आइडिया बता देंगे कितने में होगा फाइनल, ये कितने? इसको मैं कर दूँगा 20 तक और इसको मैं कर दूँगा 10 तक। तो 10,000 इसकी डिमांड बता रहे हैं ब्लैक वाले की और गोल्डन वाले की, तकरीबन 20,000 अगर आपके व्यूवर्स हुए तो। अच्छा, ये बताएं कि अभी इनकी डाइट क्या है? इनकी डाइट सीरियलेक और फीडर में ये दूध पीते हैं। ठीक है, चले अपना नाम बता दें, कॉन्टैक्ट नंबर से। इमरान नाम है, कॉन्टैक्ट नंबर 0316-535-7886। चले, बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। तो व्यूअर्स यहाँ पे एक डिफरेंस बता देता हूँ आपको, यहाँ पे ये प्योर ब्रीड का बता रहे हैं, तो 25,000 रुपये इन्होंने डिमांड बताई थी और फाइनल रेट बताएं 20,000। इसके अलावा ये क्रॉस ब्रीड का है और इसके फाइनल डिमांड बताई है 10,000। तो दोनों को आप डिफरेंस देख सकते हैं, दोनों को ज़्यादातर प्योर ब्रीड कह के बहुत सारे लोग लोकल ब्रीड के भी बच्चे भेज देते हैं जो कि क्रॉस ब्रीड के होते हैं, और आप लोगों को इनमें पहचान करने में बहुत परेशानी होगी और आप बता भी नहीं सकते इसमें से कौन सा लोकल है और कौन सा प्योर है।
नहीं, लेकिन ये क्रॉस में सर, ये क्रॉस बता के देने तो बेहतर होता है। जी जी। अच्छा, इनको अभी वैक्सीन पार्वो के इंजेक्शन लगे? नहीं नहीं, अभी ये वन मंथ के होंगे तो इनकी वैक्सीन रेबीज तब इनको लगेंगे, क्योंकि इसका जो मेल है ना, इसका जो डैड है वो मेरे घर का ही है, और फीमेल मैंने क्रॉस करवाया, मतलब ब्रीड जिसे करवाई है वो किसी और की फीमेल, इसका जो डैड है वो मेरे घर का ही है। चले मैं, ठीक है, चले बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अंश। कौन सी ब्रीड है? ब्रीड का नाम नहीं पता, भाई को पता है, वो लेके आया हुआ, उसको पता। अच्छा, ये बताओ क्या डिमांड कर रहे हो? इसकी डिमांड नहीं करना, इसके बच्चे बेचने हैं। बच्चे बेचने हैं? बच्चे कितने के हैं इसके? बच्चे 15 का आएगा, 25 के दो। अच्छा, इसको नीचे छोड़ेंगे आप? तो व्यूवर, ये डिस्प्ले कराने के लिए लाए ये डॉग, इनके पास बेसिकली बेबीज मौजूद हैं जिनको ये डॉग दिखा के सेल करना है कि ये इसके पेरेंट्स हैं। ऐसे ही है, ये पेरेंट्स हैं। अच्छा, ये इसकी ब्रीड कब आई थी? ये पता नहीं है, मालूम नहीं है, भाई को पता है। भाई आगे गया हुआ है ना? कहाँ है भाई? कहाँ है? आगे गया हुआ है। चलो अपना कॉन्टेक्ट नंबर बता दो। याद नहीं है। चलो बहुत शुक्रिया। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हस्की डॉग का पपी भी आया हुआ है, तो इसके ऑनर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो ये बताएं हजरत, ये कितने मंथ का है? ये 3 मंथ का है। 3 मंथ का है। तो मार्केट में लाने की वजह? बस वैसे ही लाया था, तो थोड़ा डॉग वॉक देख लेगा। हाँ। हाँ। थोड़ा डॉग से मिल लेगा ये। हाँ, अच्छा, अभी डाइट क्या रखी हुई है? माशाल्लाह एक्टिव है। हाँ, एक्टिव है। इसको गोश्त खिलाता हूँ ब्रेड के साथ। अच्छा, और वैक्सीन वगैरह कम्प्लीट हुई है इसकी? नहीं, अभी एक लगा है, बाकी 2 बाकी। तो पेट है, नॉन पेट है? नॉन पेट है ये। तो शौकिया तौर पे रखा हुआ या ब्रीडिंग वगैरह करा? नहीं, शौकिया। अच्छा, चलें, बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं हज़रत? जी सर। नाम बताएं अपना? वजाद। वजाद साहब, व्यूवर्स, ये हमारे एक व्यूवर हैं, और यहाँ पे आप तमाम व्यूवर्स को डॉग दिखाने लाए हैं। बेसिकली यहाँ पे इनका डॉग, कौन सा डॉग है? जर्मन शेफर्ड है ये। तो कितना टाइम हो गया इसको आपके पास? इसको 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया। अच्छा, तो 1.5 साल का ये मेल है, फीमेल है? फीमेल है। फीमेल है। अच्छा, तो ये बताएं क्या डाइट? अभी क्या डाइट है इसकी? ये चिकन और डॉग फूड। चिकन और डॉग फूड खाते हैं ये। अच्छा, और इसकी ब्रीड कराने के लिए रखा है या? ब्रीड करवाने के लिए। मार्केट लाने की क्या वजूहत है? मार्केट ये कहता हूँ आप, ये मेट के लिए कोई भी मेल हो तो ये के वो रबता करें। अच्छा, तो मेटिंग पर्पस के लिए लाएँ बेसिकली मार्केट के, अगर कोई भी मेल मौजूद है किसी भी जनाब के पास तो ये मेटिंग के लिए फीमेल अवेलेबल है? जी। अच्छा, तो अपना नाम बता दें और कॉन्टेक्ट नंबर। वजाद नाम है, और ये 0330278256। चलें, बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? उमेर। उमेर साहब, ये बताएं कौन सी ब्रीड है? ये रशियन है। रशियन ब्रीड है। क्या डिमांड कर रहे हैं इनकी? मैं 20,000 डिमांड कर रहा हूँ। 20,000 रुपये डिमांड बता रहे हैं। और एज क्या है इनकी? एज इनकी ये 9 महीने एज है इनकी, पेयर है ये। 9 माह एज है इनकी और पेयर है पूरा। मेल कौन सा इसमें? इसमें ये मेल है और वो वाली फीमेल है। अच्छा, तो अभी डाइट क्या है इनकी, क्या खिला रहे हैं इनको? डाइट पे इनको कल्ले का गोश्त और चावल दे रहे हैं। वैक्सीन वगैरह हो गई इनकी? वैक्सीन इनकी कम्प्लीट है, बुक है मेरे पास इनकी वैक्सीन कार्ड। वैक्सीन की बुक है। अच्छा, ये पैटेगरी तो नहीं होंगे? नहीं, नॉन पैटेगरी है। तो व्यूवर्स, इसकी डाइट बिल्कुल होम रेमेडी है बेसिकली, कि आप इसको घर में कुछ भी दें तो खा लेगा। हाँ, खा लेगा घर का। अच्छा, तो फाइनल डिमांड क्या होगी पर डॉग? वो आपके व्यूवर्स के साथ डिमांड कर लेंगे, वो थोड़ा कमी पेशी कर लेंगे, लेकिन ये मुनासिब रेट है बिल्कुल। 20,000 रुपये मुनासिब रेट है बिल्कुल। पर पीस, पर डॉग के? नहीं नहीं नहीं, पेयर के 20,000। पेयर के 20,000, पेयर की डिमांड बताई है इन्होंने, और उसमें फर्दर कर लेंगे कॉर्पोरेट व्यूवर्स के लिए। तो अपना नाम बता दें, कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दें। मेरा नाम उमेर है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0304-2824-600। ये नंबर मेरा व्हाट्सएप पे भी है। चलें, बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। तो व्यूवर, आज बहुत ख़रीदार आए थे मार्केट में, और बहुत सारी डॉग की ब्रीड आई थी जो कि तकरीबन सोल्ड हो गई, और आज कोई ख़ास तौर पे कोई अच्छी ब्रीड देखने को नज़र नहीं आई मार्केट में। जो भी ब्रीड मौजूद थी आप तमाम व्यूवर्स को दिखाई, ये थी मार्केट की पोजीशन। उम्मीद करता हूँ आप तमाम व्यूवर्स को ये वीडियो पसंद आए होगी। इसी के साथ साथ ये कहना चाहूँगा, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। टिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।